महासागर जलमंडल का वह प्रमुख भाग होता है जो खारे पानी का विशाल क्षेत्र है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां होती है, तरंगे, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार में देखा जाए तो प्रशांत महासागर सबसे पहला महासागर आता है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे पर हिंद महासागर और चौथे पर दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है, और पांचवें नंबर पर आर्कटिक महासागर आता है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है जो आकार में त्रिभुज जैसा है। प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एवं पश्चिम में एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। पश्चिमी उत्तर प्रशांत में स्थित मरियाना ट्रेंच है और मरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर द्वीप दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई 10928 मीटर है। भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में दुनिया के सबसे अधिक द्वीप हैं, लगभग 25,000 द्वीप हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। यह महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इस महासागर का आकार प्रशांत महासागर से आधा है। अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप और अफ्रीका एवं पश्चिम में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है। विश्व में सबसे अधिक व्यापार अटलांटिक महासागर से ही होता है, अतः व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर की सतह में लवणता अन्य समुद्र की तुलना में काफ़ी अधिक है। यह सबसे विशाल महासागर नहीं होने के बावजूद भी अटलांटिक महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र आता है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका कुल क्षेत्र 7 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग है। इसकी औसत गहराई 3741 मीटर है और इसकी आकृति अंग्रेजी के एम अक्षर की भांति है। यह विश्व के कुल जल का 20% जल कवर करता है। हिंद महासागर विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर को एक युवा महासागर कहा जाता है क्योंकि हिंद महासागर ने 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। हिंद महासागर के दक्षिण में एक और प्रशांत महासागर और दूसरी ओर अटलांटिक महासागर स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महासागर चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अंटार्कटिका महासागर 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर के समथिंग फैला हुआ है। इस महासागर की औसत गहराई 3270 मीटर है और अधिकतम गहराई 7432 मीटर है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर को उत्तर ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 1 करोड़ 4 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह रूस से छोटा एकमात्र महासागर है।